नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है, गर्दन से लेके कंधे तक जो वर्टिब्रा है, उसमें या तो डिस्क कंप्रेशन हो जाना या फिर हड्डी में डीजनरेशन हो जाना, ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं। अब इन वर्टिब्रा हड्डियों का काम क्या होता है, इसके साइडों से नर्व्स जाती है जो कि हमें फील कराती है पेन सेंसेशन आर्म में, ठीक है, मेनली आर्म में। और अगर हम बात करें नीचे लंबर की, सैक्रल की, तो पैरों का सेंसेशन, बाउल ब्लैडर सेंसेशन, ठीक है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है, सैक्रम होता है, सर्वाइकल होता है, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे सर्वाइकल के बारे में। अगर आपको भी कंधों का दर्द, हाथों का दर्द या फिर पैरों में खिंचाव, दर्द, कमर दर्द, ऐसी समस्या बनी रहती है, तो हो सकता है आपको भी स्पाइनल स्पॉन्डिलाइटिस हो, ठीक है। इसमें एक टर्म होती है सियाटिका। सियाटिका कोई बीमारी नहीं है, एक सियाटिक नर्व होती है, उसके कंप्रेशन से सियाटिका नाम का पेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। सबसे पहले साइन सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे मैंने बताया दर्द, खिंचाव, चीटियां चलना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। अब इसको हम पहचाने कैसे कि ये है या नहीं है, तो क्लिनिकली उसके बाद एक्सरे करा के देख सकते हैं। तो वहां हम वर्टिब्रा देखेंगे, या तो डीजनरेट हो गई है, या जो डिस्क होती है दो हड्डियों के बीच में, वर्टिब्रा के बीच में रबड़ जैसा होता है, कई बार वो गल जाता है, या वो बल्ज होके बाहर आ जाए, हर्निएटेड डिस्क हो जाए, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब बात करें कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉज क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, कॉज जेनेटिक हो सकता है, हेरिडिटरी, मदर, फादर, दादा, दादी को ये सब था, स्पाइन डीजनरेशन आपको भी हुआ। पहले की बात करें तो ये 60 के बाद होता था, 60 साल के बाद, ठीक है। अब ये यंग एज में भी होने लग गया, यंगस्टर्स को भी होने लग गया। उसका कारण है जेनेटिक्स, मैंने बता दिया, या फिर आपका न्यूट्रिशन की कमी, आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, या आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप सीधे नहीं बैठते हैं स्ट्रेट, ठीक है, पोस्चर गलत है, टेढ़े मेढ़े ऐसे बैठ रहते हैं, तो उससे भी स्पाइन में, या फिर आप कुर्सी में बैठे बैठे सो जाते हैं, गर्दन में पेन, कंप्यूटर ज्यादा देखते हैं उससे, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा मैंने बताया कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 इनका कमी, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उस वजह से होता है। कई बार वहां सूजन आ जाती है, कोई इन्फेक्शन वायरल वगैरह हो तो उससे भी होता है। एज रिलेटेड तो है ही, पर यंग एज की बात चल रही है कि जवानी में क्यों हो रहा है, तो जवानी में इसीलिए हो रहा है, आपका पोस्चर ठीक नहीं हो, या फिर आप कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर ली है, ठीक है, शोल्डर की कोई जबरदस्त एक्सरसाइज कर ली, यहां नेक पेन आ गया, या कोई बेंच प्रेस कर लिया, ऐसा कोई भारी वेट लिफ्ट कर लिया, उससे हो गया हो स्पाइन में दर्द, ठीक है, ये सारी, या कोई ट्रॉमा हो गया हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंजरी हुआ हो, उसके बाद ये सब हुआ हो। अब डायग्नोस कैसे करें, देखो CBC तो करना ही है, किडनी, रीनल फंक्शन, ये सब तो करा के देखना है, शुगर वगैरह, हार्मोन लेवल, ये सब देखना है, हार्मोन, बैड हार्मोन्स या हार्मोन डेफिशिएंसी से भी ये स्पॉन्डिलाइटिस होता है, हड्डियां वीक होने लगती हैं, वो सारे टेस्ट आपको करके देखने हैं। उसके अलावा एक्सरे करके देखेंगे, एक्सरे में कोई डीजनरेशन तो नहीं है, कई बार छोटी छोटी हड्डियां भी निकलने लगती है साइडों से, उसका कारण होता है वो कंपनसेट करती है, कई बार लीगामेंट वीकनिंग होता है या लीगामेंट स्टिफनेस हो गया ज्यादा, तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में। उसके बाद कॉजेस थे, सिम्टम्स मैंने बता दिया, दर्द होगा, चींटियों का काटना, स्पाज्म, बहुत ज्यादा पेन होना, नींद नहीं आना, ठीक है, वो ऐसा। उसके बाद आप इसका डायग्नोस मैंने बताया, एक्सरे कर सकते हैं, MRI ऑफ स्पाइन करा के देख सकते हैं, होल स्पाइन, अगर आपको और भी सिम्टम है, ब्लैडर में पेशाब प्रॉपर नहीं हो रहा, लैट्रिन प्रॉपर नहीं हो रही है, नसों में खिंचाव है, चलने में टेढ़ा मेढ़ा, एल्कोहलिक की तरह चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब बात करें कि इसको ट्रीट कैसे करें, तो ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, पोस्चर ठीक रखें, कई बार सर्वाइकल का है तो नेक बैंड, नेक सपोर्ट वगैरह आता है वो आप ले सकते हैं सॉफ्ट, पर लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो मसल वीक हो जाएगा। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपको करनी है, योगा करना है, प्रॉपर डाइट लेना है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है तो न्यूट्रिशन बराबर लेने हैं। उसके अलावा आप क्या करें,
अगर फिर भी दर्द रह रहा है तो मसल रिलैक्सेंट्स ले सकते हैं। न्यूरोटिक नर्व का पेन है, गावापीन, प्रीगैबलिन वगैरह यूज किया जा सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी। उसके अलावा फिर भी है तो कई बार टेंशन तनाव भी आता है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए। अब जो पेन किलर है 5 से 10 दिन यूज कर लें फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा, डॉक्टर से मिले, ठीक है। और हमेशा खुद से कोई भी दवाई ना लें, हो सकता है आपका किडनी खराब हो सकता है आपका लीवर डैमेज हो तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, हो सकता है आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है। सबसे पहले कोई भी चीज हो उसका एजुकेशन जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए बीमारी क्या है, कैसे ठीक होगी, ठीक है। जब आपको एजुकेटेड होंगे उसके बाद ही, अब मैंने बताया 95% केसेस में इसमें ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, काफी रेयर सर्जरी का जरूरत पड़ता है, रेयर 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 वेरी रेयर। अदरवाइज मेडिकल मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन, सम पेन मैनेजमेंट ड्रग्स हेल्प्स यू टू क्योर। थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद, थैंक यू।